हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? वेलकम मेरे चैनल पर। मैं हूँ ईशान सिंह और आपका दिल से वेलकम मेरे चैनल पर। वीडियो आज का है सीरियस मैटर पर है, और वो वीडियो का ट्रेलर का जो आपको थंबनेल मैंने देखा तो मुझे काफी यूनिक लग रहा है। टॉपिक का नाम जो हेडलाइन है वो है रेड सूटकेस, एंड इसमें देखने मिलने वाले हैं सौगत मल, सृष्टि श्रेष्ठा, बिपिन कार्की एंड प्रवीण। ओके प्रवीण, तो हियर वी गो विद दिस वीडियो ट्रेलर। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये मूवी रिलीज होने वाली है 12th of April 2024 को। तो अगर आपको ये मूवी ट्रेलर अच्छा लगा, या आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, और आपको लगता है कि ये ट्रेलर का मूवी देखना भी चाहिए, तो आप लोग जाके देख के आना। एंड दिस क्रेडिट गोज टू OSR डिजिटल, एंटरटेनमेंट ऑफ नेशन जो रहता है, एंटरटेनिंग नेशन वाला। तो यस, वन टू एंड वी गो। OSR डिजिटल, एंटरटेनिंग द नेशन। कुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद कुमार जी। तो भाई स्टार्टिंग रेडियो से हुआ है। अभी अनोट सत्य घटना सुनाओगे उन्होंने सुनी है ना? ओके। और सुनियो डर सानो घटना सुनाना चाहते हैं। आज बयान मो ऑफिस जा रहे थे, एयरपोर्ट नजीक थे, ट्रैफिक जाम में मेरे गाड़ी फंसी हो अनि मो ऐसे बाहर थी रहते थे। अच्छा, वो ऑफिस जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए रुका था, ट्रैफिक था, कुछ इशू हुआ, उसकी जर्नी कुछ अलग ही हो गई। जुल के मुझे कति टाढा छ? टाढा को छ त अनि यतै बस्दा हुँदैन। उले कदातिर जुन काम गर्ने मान्छेहरूले लुगा लाउँछन् नि, त्यस्तो लुगा लाएको थियो र एउटा सुटकेस कि चाड्दै थियो। सरोज यात्रा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, काठमाडौँदेखि बाकस पुगेर, त्यो पनि एक्लै। त्यति गाह्रो काम भए पनि आखिर गर्नु त कसैले कसैले त पऱ्यो। एक्कासी उसको सुटकेस ठोक्यो अनि खोल्यो। कितना अलग लग रहे हैं इस बार दोनों, वो शांत है डर। मैंने इतने मानसे कसरी मर सन होला इस पीपल, वो मरने के बाद वो मिरर लगा के रखा हुआ है ना। यो सबै युवाहरूको मृत्युको चाहिँ एउटा सरकार नै गर्यो हेर्नुहोस् खै सरकार। बिपिन कार्की का क्या रोल है इसमें? वो क्या किसी होटल में आया था क्या स्वागत मत? गाडी चाहिँ भित्र राख्नुहोस् न। होइन होइन, त्यही ठिक छ, तपाईँले के दुःख दिनु खुरुक्कन अब के परेशान, गाडी भित्र राख्नुहोस् त। ऐसा क्या है जो गाड़ी के बीच अंदर रखा हुआ है? अरे बहुत डिफरेंट लग रही है ये ट्रेलर, राइट? ये मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय फाइदल देवकोटा, ठीक है? इज अ डायरेक्टर एंड इवन इज अ राइटर एंड ही नो द रियल स्टोरी एक्चुअली। और ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ, और ये बहुत बहुत ही डिफरेंट था, सिर्फ कंटेंट बहुत अलग ही था। एक रेड सूट केस को लेके वो अपना स्वागत मल लेके ट्रैवल कर रहा है, एंड आई हैव अ बिट कन्फ्यूजन क्योंकि अब ये सीरियल किलर रिलेटेड है या क्या है, आई डोंट नो। और ये जर्नी इसकी शुरू होती है, अब रेडियो में बिपिन कार्की बता रहा था उनकी स्टोरी, या वो खुद की अभी बता रहा था रेडियो लाइव में, तो वो तो शायद मुझे लगता है मूवी देख के पता चलेगा। एंड दिस मूवी का जो रेडियो का जो आवाज़ था ना, वो क्रीपी साउंड विच मेक्स मी मोस्ट यू नो एंड वो चीज़ ये कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था मूवी को, मतलब ध्यान से फोकस करो क्योंकि थोड़ा हॉरर फीलिंग दे रहा था। एंड आई डोंट नो, इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी ऑन समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद से राइटर है तो फिर, क्योंकि बिपिन कार्की का रोल क्या था, अभी वो ट्रैवल कर रहा है, बिपिन कार्की में बैठा हुआ था, पूछता है आप सामान अंदर लेके आओ, तो इसने बोला नहीं मैंने ला था, मैंने दीजिए, आपको क्यों तकलीफ है, तो अलग क्यों ऐसा क्या रखा हुआ है, यही बोला था ना उसने। अब रेड सूट केस में अभी उसमें एक लाइन भी था कि यंग मैन, यंग मतलब युवा बोला था, तो यंग लड़का लड़की जो भी होंगे उसका मर्डर हो रहा है, तो फिर वो बॉडी को लेके ही उसी में जाता है, कुछ ऐसा है। अभी रेड सूटकेस का टॉपिक क्या है? रेड मीन्स इवन यू कैन इंडिकेट ब्लड, इजंट इट? सूटकेस मतलब इतना इशू हुआ था अभी इंडिया में, कितना हुआ था सूटकेस में बॉडी पैक काट काट के पैक करके ले जाते हैं एंड ऑल, इट्स रियली वियर्ड ना। सो एनीवेज गाइस, मुझे बताओ ये क्या है, एंड आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज भी क्या हो सकता है, मैं सही भी बोल गया हूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, देखते रहो, प्रशांत से प्यार करते रहो, प्रशांत आपसे प्यार करता था। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम प्रशांत सिंह, नमस्ते।